दीपक। हाँ दीपक, आप यहाँ से डेली ऑफिस आते जाते हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं बस का। तो यहाँ से क्या समस्या आती है? रोड पर पेड़ है, पेड़ों से दिक्कत भी होती है, सामने पेड़ है ना, तो बीच बीच में पेड़ पड़ जाते हैं, तो क्या होता है कई बार अगर एक बस जा रही है ना और कोई अगर उसको ओवरटेक करने की कोशिश करे एकदम से पेड़ आ जाए, तो दिन में तो आप देख लोगे लेकिन रात में एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा है उसमें। एक्सीडेंट भी होते हैं? एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ इब्राहिमपुर मोड़ पे एक ट्रक की वजह से। क्या हुआ था, वो बाइक मोड़ रहे थे बंदे और एकदम से ट्रक आ गया, स्पेस ही नहीं था तो वो भी नहीं कट कर पाए, तो वो नीचे आ गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये अक्सर ऐसे हादसे होते रहते होंगे रात में? होते रहते हैं, यहाँ भी होता है एक साइकिल वाले का केशव नगर में और इब्राहिमपुर में, काफी होते रहते हैं और रात के समय तो बहुत ही खतरनाक है। अभी जैसे आपके पीछे एक पेड़ है, पूरा सड़क पर है, सड़क छोटी है, ऑलमोस्ट सामने देख के साइड में सामने देख के तो आगे वहाँ पर आगे जाकर और बीच में भी बहुत सारे पेड़ मिलेंगे आपको। उस केस में एक्सीडेंट के रात में बहुत ज्यादा खतरे हो जाते हैं क्योंकि ट्रक वाले तो आपको पता है कैसे चलाते हैं, और अगर कोई उसको ओवरटेक करने की कोशिश करे तो स्पीड से टकराने का बहुत खतरा ज्यादा रहता है। तो कितना लंबा रास्ता है यहाँ से वहाँ तक जाने में जो परेशानी का लोग सामना करते हैं? काफी लंबा है यहाँ से, मतलब 6-7 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से हिरनकी का पूरा ऐसा ही है, और बीच में कोई मतलब पुलिस वाले भी नहीं दिखेंगे आपको, कोई मार के भी चला जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पड़ा रहता है बंदा यहाँ, ऐसी कोई PCR की सुविधा भी नहीं है।